विभाग द्वारा डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए की गई एक कार्यशाला, स्थानीय रेडक्रॉस भवन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डेंगू मलेरिया की रोकथाम के बारे में बताया गया, साथ ही डेंगू मलेरिया को रोकने के उपाय भी बताए गए। सभी लोग अपन ना तो आ जाके अपन जला हुआ के निकाल सकते हैं, ना अपन आ जाके पानी निकाल सकते हैं। अरे अरे मलेरिया डेंगू के विषय में सुबह एक जिला स्तरीय कार्यशाला रखी गई, जिसमें सभी ब्लॉक के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, डीपीएम, डीसीएम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उसमें अभी गर्मियों का सीजन है, मलेरिया डेंगू ना फैले इसके लिए पूर्व तैयारी के उद्देश्य से कार्यशाला रखी गई है, जिसमें डेंगू और मलेरिया ये दोनों घातक बीमारियाँ हैं, जिनकी रोकथाम हो और समय पर लार्वा का भ्रष्टीकरण हो जाए, इससे बीमारी की रोकथाम हो, इसके लिए सबको बताया गया कि गांव में अपने अपने क्षेत्र में जाकर आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से और स्वयं रुचि लेकर ग्रामीण जनता को जागरूक करें और उनको पहचानो कि ये लार्वा होते हैं किस तरह के होते हैं और उनको किस तरह से नष्ट किया जाए, ताकि डेंगू और मलेरिया न फैल पाए। अभी जो वर्तमान में एक और कार्यशाला चल रही है, जिसमें ग्वालियर से संचालक डॉक्टर भूषण जी पधारे हुए हैं, जिसमें स्वाइन फ्लू के ऊपर कार्यशाला चल रही है और टीबी के संबंध में यदि हमको बीमारियों की पहचान हो जाती है तो समय पर उपचार हो जाता है और बीमारियों की हम रोकथाम कर सकते हैं और लोगों को गंभीर होने से बचाया जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर पी बनकर।